नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पटना और पटना के बाहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में अस्पताल के अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों को मुफ्त परामर्श दिया। शिविर में विशेष रूप से हृदय रोग, प्रसूति एवं स्त्री और शिशु रोग के मरीजों को मुफ्त परामर्श दिया गया। इसके अलावा कार्डियोलॉजी मरीजों के लिए ECG, इको और सीरम, क्रिएटिनिन, गायनी मरीजों के लिए पेप एस्मियर और पीडियाट्रिक मरीजों के लिए हीमोग्लोबिन की जांच की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। वही परामर्श के बाद अधिकांश मरीजों ने मुफ्त में जांच कराया। परामर्श देने वाले में निदेशक सह कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीबी भारती, डॉक्टर सुशांत पाठक, डॉक्टर अनीता सिंह और डॉक्टर राजीव रंजन रहे। अस्पताल के निदेशक और जनरल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि ये शिविर सभी के लिए खुला था। हमारी अपेक्षा से आगे मरीजों ने इस शिविर के लिए अपना उत्साह दिखाया। शिविर में पहले से अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे लोगों के अलावा पहली बार पहुंचे लोगों को भी समुचित परामर्श दिया गया। देखिए, हम लोग फोर्ड की तरफ से फ्री कैंप रखे हैं, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पेडिया, कार्डियोलॉजिस्ट, सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स को देख रहे हैं। उसमें कुछ टेस्ट भी फ्री किए जा रहे हैं, खासकर इको जो पेशेंट्स को फ्री मिल रहा है। बाकी तो ब्लड टेस्ट हो ही रहे हैं, इको भी पेशेंट्स को फ्री कराया जा रहा है। पेशेंट्स कुछ अच्छे जो पहले से दिखा रहे थे वो भी आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको ज़रूरत पड़ रही थी पर वो फोर्ड को जान नहीं रहे थे कि यहाँ पे हो रहा है, इसलिए वो आ रहे हैं। क्या निदेशक सह वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीबी भारती ने बताया कि ये शिविर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे के लिए आयोजित किया गया था। इन 2 घंटों के दौरान ही काफी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर से परामर्श लिया। इस शिविर के दौरान हमने देखा कि कई लोग जांच में लापरवाही के कारण बीमारी को बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ मुफ्त जाँच के कारण उनकी बीमारी एकदम पकड़ में आ गई। वही शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे लोगों ने फोर्ड हॉस्पिटल की इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर से हमें मुफ्त में इतने बड़े अस्पताल में बीमारी दिखाने का मौका मिल गया। शिविर के दौरान यहां के कर्मचारियों ने बहुत ही सहयोगात्मक रवैया दिखाया। बहरहाल, आपका इस खबर पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।